अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। देसी नुस्खे चैनल में एक मरतबा फिर मैं अपने तमाम भाइयों को वेलकम कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम भाई खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, और देसी नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियो आप तक पहुँच जाएँ। आज मैं अपने प्यारे भाइयों के लिए नुस्खा लेके आया हूँ जिन मेरे भाइयों का मसाना कमज़ोर हो चुका है और टाइमिंग में इजाफा नहीं होता, जिनका नफ्स कमज़ोर हो चुका है, ये मेरे उन प्यारे भाइयों के लिए बहुत ही आसान सा नुस्खा है। ये इस नुस्खे की फरमाइश हमें भाई ने इंडिया से की है, साउथ इंडिया का है, जिसने हमें फरमाइश किया कि भाई हमें इस चीज़ों के बारे में नुस्खा बताएं जो हमें आसानी से मिल जाए। ये मेरे प्यारे उन प्यारे भाइयों के लिए नुस्खा है, लेकिन तमाम मेरे भाई इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी शादी हुई है, जिनकी शादी होने वाली है, वो इंशाल्लाह मत घबराएं, उनको टाइमिंग में इजाफ़ा होगा, उनके हर चीज़ में इजाफ़ा होगा। सबसे पहले मेरे तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, देसी नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरे तमाम नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएं, और बेल आइकॉन बटन को दबाना मत भूलिएगा। जैसा कि आपको मालूम है, इस 21वीं सदी में आप जैसे जानते हैं कि 21वीं सदी में बहुत से लोग नेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनका नफ्स कमज़ोर हो जाता है और वो मुस्तज़नी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे उन प्यारे भाइयों के लिए बहुत ही आसान सा नुस्खा है। नुस्खे आपने क्या इस्तेमाल करना है, नर शुबारा, इसको बोलते हैं नर शुबारा। ये आपने सूखा वाला लेना है, बिल्कुल सूखा हो और इसका कलर सफ़ेद होता है, हल्का सा सफ़ेद, ये देखिए इसके ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है ना, ये इसका कलर सफ़ेद होता है। और आपने लेना है दूध, आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले आपने इसको इस्तेमाल करना है, और जिन मेरे प्यारे भाइयों को शादी होने वाली है वो इसको सुबह के वक्त इस्तेमाल करेंगे। आपने 5 नर शुवारे लेने हैं और इसको दूध के अंदर डाल देना है। ये आपने दूध के अंदर डाल के इसको मुसलसल आधे घंटे तक इसको उबाइल करना है। इसको इतना उबाइल हो जाए कि जो नर शुवारा है ये बिल्कुल नरम हो जाए और इसके अंदर मिक्स होना शुरू हो जाए। ये आपने मुसलसल 20 से 25 दिन करना है, इंशाल्लाह जितनी भी आपके कमज़ोरी होगी मसाने में वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, टाइमिंग में इजाफ़ा होगा, कतरे आने बंद हो जाएंगे, और मेरे भाइयों को जितनी भी जिस्म में दर्द होती हैं वो इंशाल्लाह सारे जिस्म में से दर्द ख़त्म हो जाएगी। एक मरतबा मैं अपने प्यारे भाइयों को फिर बता देता हूँ, आपने क्या लेना है, नर शुवारा और दूध का गिलास। ये नर शुवारा याद रखें सफ़ेद होना चाहिए, हल्का हल्का सा, और बिल्कुल खुश्क सूखा होना चाहिए, ये देखे जैसे ये बिल्कुल सूख और खुश्क है। सिर्फ आपने इस दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इसमें किसी और चीज़ का आपने इस्तेमाल नहीं करना। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम भाइयों को मेरे नुस्खे की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नुस्खे के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, देसी नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।